रॉकी भाई वाह, तू मेरा नंबर एक का अंधा है। ही माता रानी, बस कोई उठ ना गया हो। कौन है वहां? कौन है? कोई है? हेलो, आवाज तो यहीं से आई थी। कौन है? कौन है वहां? बजरंग बली, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ऐसे इतनी रात में आ क्या कर रहे हो? ये तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए ना। रात के 1:45 बज रहे हैं, ये रात को करने के काम? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा क्या कहते हैं उसे, कुछ प्रोडक्टिव कर लूं। सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रहा था ताकि सुबह का लोड कम हो जाए। पर आप एक बात बताओ, ये 1:45 बजे फूलदान लेकर क्या कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो? फूलदान लेके नहीं घूम रहा था, सो रहा था मैं। मुझे आवाज आई तो लगा घर में चोर घुसा है, फिर आवाज देते हुए नीचे आया तो किसी ने जवाब भी नहीं दिया। देता भी कैसे, ये एयरपॉड जो लगा के घूम रहा था, अभी अगर मैं सारे घर वालों को उठा देता तो। आज ना मुझे पता चल गया कि आप कितने बड़े फट्टू हैं। ए, मैं कोई फट्टू वट्टू नहीं हूँ। तो क्या हो? शेर बहादुर, मिस्टर फट्टू चंद। फट्टू नहीं बोलना मुझे। मैं तो बोलूंगा डूड, यू आर फट्टू। फट्टू नहीं बोलना मुझे। फट्टू फट्टू फट्टू, मैंने कहा ना फट्टू नहीं बोलना। अब वो फट्टू ये धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है? बाहर तक सुनाई दे रही है मुझे। हाँ तो दिल का तो काम ही है ना धड़कना, आपका नहीं धड़कता क्या? अब ये टाइम पास करना बंद करो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। नींद नहीं आ रही है। क्यों भाई, नींद क्यों नहीं आ रही? इतनी तो भाग दौड़ की होली के बीच, उसके बाद भी नींद नहीं आ रही। कुछ बातें हैं रॉकी जो मैं तुझे नहीं समझा सकता, वो भी बहुत छोटा है, समझ नहीं आएगी तुझे। ओ रॉकी भाई की ना सिर्फ हाइट छोटी रह गई, बाकी दिल और दिमाग बहुत बड़ा है, इसलिए कोशिश कर लो, समझ में आ जाएगा। दिल में एक अजीब सा तूफान चल रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ की सबसे कीमती चीज मुझसे छिन रही है और मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। सब कुछ होते हुए भी बहुत अकेला सा, खाली सा महसूस होता है। फालतू आज रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।